हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर रजनीत आज आप लोगों को हेयर के बारे में बताने जा रहे हैं। आज के डेट में हेयर का प्रॉब्लम जो है हर एक व्यक्ति को बहुत कम एज में बाल पकते जा रहा है, बहुत कम एज में। क्यों? पहला तो चीज़ है कि आज के डेट में ना कुछ एक्सरसाइज हो रहा है, खान पान भी सब बेकार है, बस तिलगर फूल खाए, फल फूल खाते, तिलगर मटेरियल खाते हैं, उससे कुछ होता तो है नहीं, एक्सरसाइज करते नहीं हैं, थिंकिंग ज़्यादा है, पढ़ाई का वो प्रेशर रहता है, इसलिए बच्चा को थोड़ा सा हेयर फॉलिंग का प्रॉब्लम होता है। होता है, एक पेशेंट है मेरे जिनका हेयर है। सर, हाय दोस्त। हाँ देखिए, मतलब कि यहाँ पे हम डॉक्टर के यहाँ आए थे तो मेरा बाल उन बहुत झड़ता था, प्लस में भाई भाई हो जाता था। और दूसरा प्रॉब्लम था कि मतलब दाना जैसा बहुत निकलता था। यहाँ पे आए लगता है 8-10 रोज़, मतलब हम दवा लिए हैं, आज मतलब फ्रेश है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब यहाँ से बहुत ज़्यादा फ़ायदा किया है। बाल उन भी मतलब सही हो गया है, मतलब घना हो गया है। देखिए भाइट बहुत होता था वो भी सही हो गया, और प्लस में दाना बहुत निकलता था वो भी मतलब सही हो गया है। तो यहाँ पर ऐसा देखा जाता है कि मतलब बहुत अच्छा फ़ायदा किया हमको, पिंपल भी बहुत था तो बहुत फ़ायदा किया है। तो पता है कि हम यहाँ पे आते हैं, हमेशा आते रहते हैं, और मेरा फैमिली लोग भी आते हैं। बहुत ज़्यादा गिरता था ना, तो इस पर बैठ जी, तो अब पिंपल्स भी बहुत ज़्यादा था, बहुत बड़ा बड़ा पिंपल था, बहुत जल्दी काम किया। लेकिन दवा कम से कम 4-5 महीने दवा खाए, दवा तो खाया, पिंपल्स भी ठीक है और बाल भी ठीक है। बाल देखिए मेरा बहुत घना हो गया है, प्लस में भाइट था, और देखिए पूरा सही हो गया। हमको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मतलब बाल मतलब घना हो सकता है, भाइट से थोड़ा आ सकता अपना जो असली था, पिम्पल्स था देखिए वो पूरा चिकना हो गया है। तो बहुत फायदा किया है, मतलब हम खुश हैं, बहुत खुश हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम पेशेंट से मिला दिए। तो आज के डेट में ये हेयर वाला प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, हेयर का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, और उसमें होम्योपैथिक मेडिसिन इतना बढ़िया वर्क करता है, हेयर हो, पिंपल्स हो, कंस्टिपेशन हो, इसमें तो खैर कहना ही क्या है। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक करना भी ना भूलिएगा। ऐसे हम दवा के बारे में बताते रहेंगे, लेकिन दवा के बारे में हम दवा तो बहुत सारा है, जैसे पिंपल्स का है, हेयर फॉलिंग का है, लेकिन दवा को हम क्या बताएं। होम्योपैथिक में होता है कि साइन और सिम्टम को पहले देखा जाता है, इससे बच्चा खा रहा है वहीं से नहीं खा रहा है, सब चीज़ देखा गया था इनका कि खाना इनका डाइट बढ़िया है कि नहीं है, तो सब चीज़ को देख करके एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं है, तब दवा दिए थे इनको, शूट किया है। ठीक है दोस्तों, फिर हम ऐसे ही बताते रहेंगे, तरह तरह के पेशेंट से मिलाते रहेंगे। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।